नमस्कार, मैं हूं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नियम के अनुसार अगर एक मजदूर आपके घर या फिर कारखानों में काम करता है तो आप उससे 8 घंटे तक सिर्फ काम करवा सकते हैं, लेकिन कई ऐसी शिकायतें मिली है जिसमें ऐसी जानकारी भी निकल करके सामने आई है कि मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम करवाया जाता है और मजदूर भी मजबूरी में करते ही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब अगर किसी भी कामगारों को काम करवाना होगा तो पहले ही ओवरटाइम के नाम पर कामगारों से काम लिया जाता रहा है, लेकिन उस ओवरटाइम का पैसा घंटे के मुताबिक दिया जाता था। नई नियमावली में ये साफ किया गया है कि 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कारखाना मालिक को कामगारों को 2 गुना वेतन देना होगा। विभाग ने कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनाई है। इसके तहत ये तय किया गया है कि निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों से तय अवधि में ही काम लिया जाए। एक कामगार से अधिकतम 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कामगार से अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा, यानी कि अब सप्ताह भर में एक कामगार 48 घंटे के अनुसार एक दिन में 8 घंटे ही काम कर सकेगा। अगर इससे ज्यादा काम करवाया गया तो कामगारों को वेतन की साधारण दर की 2 गुना दर से वेतन देने का काम करना होगा। वहीं जिस फैक्ट्री में 500 कामगार होंगे वहां एक सुरक्षा अधिकारी को बहाल किया जाएगा, जिससे अधिक कामगार होने पर अतिरिक्त कामगारों की बहाली की जाएगी। इससे अधिक कामगार होने पर अतिरिक्त कामगारों की बहाली का काम भी होगा। वहीं दूसरी तरफ खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगार पर एक सुरक्षा अधिकारी बहाल होंगे। साथ ही सुरक्षा समिति गठित की जाएगी, जिससे नियोक्ता के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही विभाग की तरफ से जारी किए गए नियमावली में ये साफ किया गया है कि विशेष परिस्थिति में अगर कोई नियोक्ता चाहे तो वो कामगार से 8 घंटे से अधिक काम ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक ही काम लिया जा सकेगा। अगर आपातकालीन स्थिति में कामगारों से एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम लिया गया है तो किसी वर्ष की एक तिमाही में 125 घंटे की कामगारों से काम लिए जाएंगे। तय समय से अधिक काम कराने पर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कामगार 8 घंटे से अधिक काम करेगा तो उसे ओवरटाइम के तौर पर 2 गुना वेतन देना होगा। कामगारों को ये राशि दैनिक या मासिक के पर दी जा सकेगी। कामगारों के काम की प्रवृत्ति एक तरह की होगी। अगर कोई कामगार 2 तरह के काम करना चाहे तो राज्य सरकार से उसकी अनुमति लेनी होगी। विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही कामगार को एक से अधिक प्रवृत्ति के काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उम्मीद है कि कामगारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही आप इस नियमावली से संतुष्ट है या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।